बच्चों आज हम लोग कक्षा पांचवी हिंदी का पार्ट दो घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष का प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। इस पार्ट को हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग घी गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष का जो पार्ट है उसका प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम व उनसे संबंधित जानकारी निम्न तालिका में भरो। वृक्ष का नाम, नीम, ऊंचाई 15 से 20 मीटर, उपयोगिता औषधि एवं छाया। दूसरा है आंवला, ऊंचाई 20 से 30 मीटर, उपयोगिता औषधि फल एवं पूजा में भी उपयोग होता है आंवला का। तीसरा है बबूल, ऊंचाई है 45 से 50 मीटर, उपयोगिता है औषधि। प्रश्न नंबर दूसरा है, पता करो कि हमारे यहाँ घी व गुड़ कैसे बनाया जाता है। इसका उत्तर है, घी हमारे यहाँ गाय और भैंस के दूध को पकाकर जमाते हैं, फिर उसे मथते हैं जिससे मक्खन निकलता है। मक्खन को आग में पकाने से घी बनता है। गुड़ बनाने के लिए गन्ने के रस को निकालकर उसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि गन्ना का रस गाढ़ा ना हो जाए। इस तरह गन्ना से गुड़ बनता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, चिवरा वृक्ष से गांव वालों को क्या क्या मिलता है। इसका उत्तर है, चिवरा वृक्ष से गांव वालों को घी, गुड़ और शहद मिलता है। इसके अलावा फल, औषधि व जानवरों के लिए चारा, ईंधन, कीड़े व चूहों के लिए कीटनाशक भी मिलता है। प्रश्न नंबर चौथा है, चिवरा वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य में क्यों नहीं पाया जाता है। बच्चों इसका उत्तर होगा, चिवरा वृक्ष छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु इस वृक्ष के लिए अनुकूल नहीं है। प्रश्न नंबर पाँचवा है, चिवरा वृक्ष के बीज स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं, यदि हाँ तो क्यों। इसका उत्तर होगा, हाँ, चिवरा के वृक्ष के बीज स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं क्योंकि इसी से घी बनता है। इसी घी से स्थानीय लोग पूड़ी, हलवा व अन्य पकवान बनाते हैं। घी जलाने के भी काम आता है, यह मोमबत्ती की तरह धुआं रहित होता है। चिवरा एक महत्वपूर्ण रसायन है जो विभिन्न औषधियों को बनाने के काम आता है। प्रश्न नंबर छठवां है, हमारे राज्य में विदेशों या अन्य राज्यों से बहुत सारी चीज़ें आती हैं किंतु चिवरा वृक्ष से बना गुड़ नहीं आता, क्यों। इसका उत्तर होगा, हमारे राज्य में विदेशों या अन्य राज्यों से बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन चिवरा वृक्ष से बना गुड़ नहीं आता क्योंकि वह स्थानीय स्तर पर ही खपत हो जाता है। बच्चों इस पाठ का जो भी प्रश्न और अभ्यास था हम लोग इस वीडियो में देख लिए। अब इस पाठ का भाषा तत्व और व्याकरण में जो भी दिया हुआ है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।